नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्लिपकार्ट पर अभी जो है सिर्फ इसेंशियल प्रोडक्ट ही डिलीवर्ड कराए जाते हैं। तो यदि आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, जैसे फैशन हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मोबाइल वगैरह आपने ऑर्डर किया है जो नॉन इसेंशियल प्रोडक्ट है, तो वो फ्लिपकार्ट की तरफ से कैंसिल कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का प्रोडक्ट जो है कैंसिल भी किया जा चुका है। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि एक छोटा अपडेट पिछले दफा दिया गया था, इस पर मैंने वीडियो बना दिया था जहां पर लिखा गया है कि अभी जो है फिलहाल एसेंशियल प्रोडक्ट को ही डिलीवर्ड किया जा रहा है और नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट को डिलीवर्ड करने में टाइम लगेगा, यहां पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए आपको फर्दर नोटिस जो है दे दिया गया है। यहां पर आपको लिखा गया था कि आप इनको अगर मदद करना चाहती हैं तो आप जो है अपने नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट को ऑर्डर सेक्शन में जाकर खुद ही कैंसिल कर सकती हैं। लेकिन यहां पर हमने अपना प्रोडक्ट कैंसिल नहीं किया था, फिर यहां पर फ्लिपकार्ट के द्वारा यह कैंसिल कर दिया गया। मैं आपको अभी ऑर्डर सेक्शन में जाकर दिखाता हूं, यहां पर माय ऑर्डर पर क्लिक करके आपको दिखाता हूं। ऑर्डर सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट हमने ऑर्डर भी किया था और खुद से भी हमने कैंसिल कर दिया था, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसे हमने कैंसिल नहीं किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भी प्रोडक्ट कैंसिल किया जा चुका है फ्लिपकार्ट के तरफ से। और यहाँ पर जो भी आप गिफ्ट कार्ड या फिर वॉलेट से पेमेंट करेंगे उसका रिफंड कब होगा आपको टाइम दे दिया जाता है। अगर सुपर क्वाइन से आप परचेज किए रहते हैं तो सुपर क्वाइन जो है इंस्टेंटली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। वही आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो उसका भी एक समय आपको दे दिया जाता है, उसी डेट पर आपको रिफंड जो है यहां पर प्राप्त हो जाते हैं क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर। अब हम इस ऑर्डर पर क्लिक करके आपको हम बताते हैं कि ऑर्डर का डिटेल क्या है और यहां पर क्या कुछ फ्लिपकार्ट की तरफ से लिखा गया है। यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हैं सॉरी टू कैंसिल सबसे पहले लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया है कि यहाँ पर सिर्फ इसेंशियल आइटम को ही अभी डिलीवर्ड किया जा रहा है जिसके वजह से हमने आपके आइटम को कैंसिल कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट जो है कैंसिल भी हो चुका है। यहाँ पर हम आपको बता दें तो अगर आपके घर के पास भी प्रोडक्ट आ चुका है फिर भी फ्लिपकार्ट के द्वारा यह कैंसिल कर दिया जाएगा। यदि आपके घर से दूर है, मान के चलो बीच रास्ते में है, आपका प्रोडक्ट शिप हो चुका है या फिर शिप नहीं भी हुआ है, फिर भी आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ पर फ्लिपकार्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत लोगों का कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन अगर आपके ऑर्डर को कैंसिल अभी तक नहीं किया गया है तो धीरे धीरे करके शायद आपके ऑर्डर को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर ग्राहकों को भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि मोबाइल फोन पर GST का जो प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। जो GST लग रहा था उस तरह से बढ़ गया है, जिसके वजह से मोबाइल फोन पर प्राइस बढ़ गया है और यहाँ पर पहले के रेट के अनुसार से जो है लोग मोबाइल फोन परचेज वगैरह किए हुए थे, अब उनको उस रेट में वह मोबाइल फोन मिलेगा या नहीं ये तो डील वगैरह आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जो है GST पर 6% बढ़ा दिया गया है, जिससे ग्राहकों को यहां पर बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारा अपडेट प्रोवाइड करा दिया है। रिफंड के लिए आप लोग अपने ऑर्डर सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट के द्वारा डेट भी दिया जाएगा, उस डेट पर रिफंड कंप्लीट कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के अपडेट और जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो आपके दिल में तो वे हिचक कमेंट करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।